हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी के बारे में। 1.70 तक गया था ये स्टॉक, उसके बाद कंटिन्यूस अपसाइड देखने को मिल रहा है। 2.80 पे ट्रेड कर रहा है। एक टाइम पे काफ़ी अच्छा स्टॉक था ये, 400 450 के ऊपर ट्रेड करता था 2006 2007 में, लेकिन फिर जो डाउनसाइड आया है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पर अभी कुछ चेंजेस आ रही है कंपनी में, कुछ रिस्ट्रक्चर हो रहा है। क्या हो रहा है आइए जानते हैं उसके बारे में। टोटल जो डेट है वो 12,500 करोड़ है, उसके साथ 172 मिलियन FCCB है, जो कि है फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, जो कि 2012 के आसपास इन्होंने लिया था, जो रीपे नहीं कर पाए हैं। अभी जो फ़िलहाल कर रहे हैं वो है 100 करोड़ इक्विटी शेयर 19 लेंडर्स को, तो टोटल अमाउंट 1900 करोड़। फिर इशू करेंगे OCDs, ऑप्शनल कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, जिसपे कि वो इंटरेस्ट पे करेंगे। टोटल अमाउंट 4100 करोड़, तो यहाँ पे 6000 करोड़ हो गया। 50 करोड़ के वारंट इशू करेंगे 19 लेंडर्स को, दैट कम्स टू 950 करोड़, टोटल 6950 करोड़। 1000 करोड़ का रीस्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, जो FCCB है, 172 करोड़, 172 मिलियन USDs का, उसका इशुएंस 1000 करोड़ रीस्ट्रक्चर करने के लिए, टोटल 7950। बोर्ड ने ये भी इशू अप्रूव किया है कि कोई भी प्रमोटर या किसी भी एंटिटी को अगर इक्विटी शेयर चाहिए तो 363.50 करोड़ तक वो ले सकते हैं एट ए इशू प्राइस ऑफ 245, और करेंट प्राइस है 2.80, तो यहाँ पे उन्हें कुछ फ़ायदा हो जाएगा। टोटल अमाउंट कम्स टू 8300 करोड़ के ऊपर। उसके बाद इशू कर सकते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ अ कंपनी ऑफ ₹1 लाख ईच 50 करोड़ तक। सो टोटल जो अमाउंट आ रहा है वो 8360 करोड़ के पास पास आ रहा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मोस्टली जो है वो इक्विटी में ये लोग दे रहे हैं और डिबेंचर्स में दे रहे हैं। डिबेंचर्स का इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, लेकिन जो मेजर इशू आ रहा है वो निकल जाएगा, क्योंकि जो इक्विटी है वो अभी लेंडर्स के ऊपर आ जाएगा कि लेंडर्स के जो पैसे हैं वो अब अटके होंगे इसमें। कंपनी को पे नहीं करना है, जो इक्विटी में बेनिफिट होगा वो वहाँ से अपना पैसा निकाल सकते हैं। बट जहाँ तक सुजलॉन एनर्जी की बात है, काफ़ी पॉजिटिव अपसाइड देखने को मिलेगा इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में और फंडामेंटल्स में भी, क्योंकि जो इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, तो फिर एक लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में आ जाएगी। फिलहाल के लिए जो स्टॉक प्राइस है वो डेफिनेटली अब बाय है। 2 साल का व्यू एटलीस्ट रखें, 2021 के एंड तक कुछ अलग ही पिक्चर दिखेगा सुजलॉन एनर्जी का। एक बार ये सारा रीस्ट्रक्चर होने के बाद जो स्टॉक प्राइस है वो इस करंट प्राइस पे कभी मिलेगा नहीं। फिलहाल कंटिन्यूस अपर सर्किट है, जब भी मिले बाई कीजिए और अपसाइड देखते हैं कहाँ तक जाता है। एक या दो क्वार्टर में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया तो फिर स्काई इज़ द लिमिट, इसका स्टॉक प्राइस फ्लाई करेगा। बट 2021 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, साल डेढ़ साल और होल्ड कर सकते हैं और उस हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए सुजलॉन एनर्जी में। ₹2.80 है फिलहाल, मिल नहीं रहा है वैसे तो, अपर सर्किट है रोज़, लेकिन अगर मिलता है तो लीजिए और होल्ड कीजिए लंबे समय तक। अच्छा खासा प्रॉफिट देगी सुजलॉन एनर्जी।